This is a joke. I'm never gonna talk to you. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is CM Vlogs, and aaj hamare saath hai special guest, my best friend Khushi. And ye bhi hamara aaj bhutiya mein, ye video ka part hone wala hai. Bhutiya mein bhoot hone ke liye, shamil hone ke liye aayi hai. To guys, आज हम लोग करने जा रहे हैं हॉन्टेड नंबर्स को कॉल, जो कि गूगल में इंटरनेट पे लिखा हुआ है कि दैट यू शुड नॉट कॉल दीज नंबर्स, दीज आर ऑल हॉन्टेड. तो हम लोग वही ट्राई करने वाले हैं, अगर ये सच है या झूठ. तो आज हम लोग करेंगे ट्राई. मैं तो मरने वाले, अभी से मेरा सांस अटका हुआ है, तो लाइक डर लगे. तो गाइज, अभी जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे ही डर लगने लग गया. एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू दिस डिस्क्लेमर कि ये वीडियो किसी का भी फीलिंग्स हर्ट करने के लिए नहीं बनाया है. एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव सम फन एंड देन प्रैंक ऑन हिम. एंड इफ अगर आपको कोई भी हर्ट हुआ है ये मेरे वीडियो से, देन आई एम रियली सॉरी. मैं पहले ही आई वॉन्ट टू से सॉरी टू यू गाइज कि अगर कोई हर्ट हुआ है तो. पर हाँ, ये वीडियो सिर्फ फन के लिए बनाया है, एंड डोंट टेक इट टू योर हार्ट. तो मैं तो इस सब में बिलीव नहीं करता हूँ. तीनों को ही एंजाइटी है. मैं बिलीव नहीं करता हूँ. अगर कुछ इधर उधर हो गया तो मैं यहाँ से कटने वाला हूँ. अभी बज रहा है 3:33, एंड मैं बोलने वाला था कि क्या बोलना ठीक है. वी आर सॉरी फॉर द क्वालिटी गाइस, क्योंकि हम रात में शूट कर रहे हैं तो. एंड ऑल्सो हमें डार्क वाला चाहिए था, तो हम लाइट अभी ऑन नहीं कर रहे. छोटा वाला रिंग लाइट ऑन कर किया है, तो हमारा क्वालिटी ऐसा ही होगा. तो और गाइज, इफ यू गाइज आर स्केर्ड ऑफ घोस्ट, या फिर आप लोग ये सब देख नहीं सकते हैं, तो यू गाइज शुड स्किप दिस वीडियो. आई वांट टू स्किप. विल कॉल फ्रॉम ग्रीसीज नंबर. ये तो बिलीव नहीं करता, पर ये लोग बिलीव कर सकता है. नंबर वन है स्केरी नंबर, द सिनिस्टर 9999999. फर्स्ट में 3-9 एंड देन 4-9. तो इसका बैक स्टोरी आप लोगों को बता देता हूँ. ये थाईलैंड का नंबर है फर्स्ट ऑफ ऑल. लाइक अगर हम लोग इस नंबर पे कॉल करेंगे तो इट्स लाइक इनवाइटिंग डेथ. आई डोंट वांट टू इनवाइट डेथ. सो गाइज, और एक बात, अगर इस नंबर पे हम लोग कॉल करते करते कोई भी विश मांगेंगे तो वो विश पूरा होने वाला है. मैंने तो विश भी कर दिया था मन मन में. सो गाइज, अ विश मेड ड्यूरिंग दिस कॉल वुड लीड टू अ टेरिफाइंग और बिजार इंसिडेंट. ये बोल रहा है अगर हम लोग ये नंबर पे कॉल करेंगे तो कुछ टेरिफाइंग होगा, कुछ डरावना होगा, या फिर बिजार इंसिडेंट होगा. तो गाइज कॉल करते हैं अभी. नंबर लिखो 9999999. आपने जो डायल किया हुआ नंबर है वो अभी जांच करे. The number you're calling is wrong. Mysterious. ये नंबर है अमेरिका का, तो इसका भी बैक स्टोरी है. तो गाइज ये बोल रहा है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स का नंबर है. यहाँ पर हम लोग अगर कॉल करेंगे तो वहां पर एक मेल वॉइस से बात करेगा, जो कि हम लोग को ग्रीट करेगा काउंटिंग फ्रॉम 1 to 7 बिफोर रिविलिंग इंटीमेट डिटेल्स अबाउट द कॉलर्स एक्शन. तो देखते हैं क्या होता है. अभी नंबर है 801.
8 8 2 0 0 2 6 3. मैं तो मेरा कान थुन दिया. The dialed number does not exist. Please check the number you have dialed. तो गाइस अभी हम लोग दूसरे नंबर पर कॉल करेंगे एंड हम लोगों का अभी तो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ है, फिर भी विल कीप ट्राइंग फॉर यू गाइस. तो दूसरा नंबर है घोस्टली नंबर, जो कि है 1000000. और इसका बैक स्टोरी भी है. भाई तू मत बोल, बैक स्टोरी मैं ही बोलूंगी, इस पे प्राउड अच्छी लग रहा है. तो ये र्यूमर है कि इस नंबर से अगर आप इस नंबर में कॉल करते हो तो आपका कॉल आफ्टर लाइफ में लग जाता है. एंड अगर आप इसमें कॉल करते हो तो ये बोलता है कि आपको और भी 15 लोगों को कॉल करना पड़ेगा. सो इट्स बेसिकली ये बोल रहे हैं कि हम लोग डिसीज जो मरा हुआ लाइक लोग होते हैं उन लोगों से बात करेंगे. ऐसा बोल रहा है. तो लेट्स कॉल एंड सी कि क्या होता है. मरा हुआ तो नहीं मिलेगा शायद. उल्लू ही बना रहा होगा. मैं तो मेरा आज रात फोन को स्विच ऑफ कर. आपने जो नंबर टी डायल करेছেন সেটির এখন অস্তিত্ব নেই. অনুগ্রহ করে ডায়াল করা নাম্বারটি যাচাই করে নিন. মোটি ফুটলা আছে না এটা নাম্বার উপযোগ में नहीं है. मुझे तो अभी बिलीव नहीं हो रहा है कि गाइस ये सब हां और ऐसा मोटो जावा था मेरे मन में थे. इसका ऐसा धक 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 कर रहा है. मुझे अभी लग रहा है कि ये सब झूठ है. आई डोंट थिंक सो इट्स गोना वर्क. हमारा वीडियो फेल होने वाला है जैसा. सो गाइस दूसरे नंबर पे कॉल करता है. ये इंडियन नंबर जैसा दिख रहा है. तो ये नंबर बोल रहा है कि अगर आप इस नंबर में कॉल करोगे तो आपका एक ही दिन में मौत हो जाएगा किसी कारण से. तू क्यों हंस रहे बे, तेरे को मरने का शौक है. When answered, a haunting voice utters the eerie French phrase, "Votre dos je pox pos le rentre." From visits from opera, Carmen adding to that. तो वो फ्रेंच में क्या बोल रहे हैं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर आप कॉल करोगे तो आपका एक ही दिन में उसी दिन में आपका डेथ हो जाएगा. एंड आपको कोई मेल वॉइस में आंसर क्या तक तक हो रहा है मेल वॉइस नीचे हो रहा है मेल वॉइस में आपको कोई आंसर करेगा. एंड ये बहुत रहे तो बोले गाइस हमारा रूम एकदम टॉप फ्लोर पे है, ऊपर सिर्फ छाते तो वही बोलेगा मेल वॉइस में. वो बहुत रहे तो जे फॉक्स बोलेगा. तो चलो इसको डायल करते हैं. ये रे भाई. तो गाइस अभी कॉल कर रहे हैं हम लोग. लेकिन यहाँ पर ये पाकिस्तान का पाकिस्तान नंबर ही नहीं इसमें, तो वो हम कैंसिल करेंगे. तो लेट्स कॉल दिस फियरफुल मिस्टिक नंबर. आई डोंट थिंक मुझे भी नहीं लग रहा है कि ये लगेगा, पर मेरा साथ. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें. What if someone else is calling this number? Like maybe some YouTubers like us. पता नहीं भूत भी भूतनी के साथ बात कर रहा होगा. इसका मतलब ये जो नंबर है ये लोगों को कॉल करता है, तो सुबह से शाम तक ये बिजी होता है. अगर ये नंबर बाद में मेरे फोन को कॉल करेगा तो बैक कॉल भी कर सकता है. ठीक है फिर एक बार करता है ना, अगर बात कर चुका होता हुआ हो तो. नंबर कितना है ब्रो,
11 नंबर्स है, क्योंकि अभी अगर ये नंबर इनवैलिड होता तो पहले की तरह बोलता होता कि हाँ ये नंबर भी वैसा है ना, लेकिन पर यहाँ पर बोल रहा है कि ये बिजी है, मुझे ब्लॉक कर दिया। अगर मुझे कॉल करता है तो मैं तो नहीं उठाने वाली, पर जो भी हो ये तो ग्रेसी का ही फोन है, अगर बैक कॉल भी करेगा तो इसका ही होगा। फिर तुम साथ में ही रोना, क्या भाई साथ में पानी तो नहीं है तो भाई ऐसा सर्विंग चार पड़े कर से के लिए हाँ की रहेंगे, डर लग रहा है बस ओवर थिंक कर रहा। आई डोंट नो गाइस इफ वी शुड कॉल फर्दर, बट ये बोल रहा है कि कॉल करो, पर इसको ही डर लग रहा है। पानी हाल्छ तो गाइज अभी एक नम्बर मिला मुझे, गर्नु कल कि नगर्नु गर न ठिकै छ। अभी भी बिलिभ नहीं हो रहा है कि ये सब रियल है, अभी भी मुझे फेक ही लग रहा है। तो गाइज और एक नंबर है यहाँ पर लिखा है कि दिस इज सेड टू बी द फोन नंबर बिलोंगिंग टू एनाबेल फ्रॉम द हॉरर मूवी सीरीज। व्हेन यू कॉल द नंबर यू विल रिपोर्टेडली बी ग्रीटेड बाय अ वॉइस दैट विल देन प्रोसीड टू टेल यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये फोन नंबर है, ये एनाबेल का फोन नंबर है, तो अभी कॉल करेंगे एंड सुनेंगे कि उसको क्या बोलना है। लाइक यहाँ पर बोल रहा है कि वो फोन उठाएगा और हमारे ही बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बोलेगा। तो लेट्स कॉल दिस नंबर 8018200263। बकवास लग रहा है अभी मुझे सब। हाय अभी तो मुझे बकवास ही लग रहा है, वो वाला भी रियल नहीं था। So guys, she is not feeling well now. Yes, sir. Oh, you see? Nanda. You see? Oh, you see? Something that. Oh,
If this is a joke, I'm never gonna talk to you. I swear to God. If this is a joke, then I'm never gonna talk to you. It's a prank. Oh. 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 Estoy mal discutiendo.
one there. Oh, boy, it's a good thing. I'm not sure. 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 कन्फ्युज भइले ओके होइन भनेर पनि अब हो भने पनि बढी लाग्छ भनेर गरिरहेको अन गाइज एक एक्टर और युट्युबरको कवि कवि कम मजा अच्छा कम्बिनेसन हुँदै कि त्यसो भए झन् मैले कोट्याउँदा चाहिँ चाल पाइस होला हो कि होइन हुनु सक्छ होइन भिडियो अफ गर्छ हो अब के गर्नु गर्नु त्यहाँदेखि फेरि यसलाई यसरी कोट्याउन थालेन एकछिन त कसरी एक्टिङ स्टार्ट गर्नु गर्नु भएन मुझे न एक्टिङ कसरी स्टार्ट गरौँ गरौँ हो रायो मेरो देखौँ गाल पनि लाल हो क्या भिडियो अफ गरेको मासै मन भयो भनेर त्यो पनि डर लाग्यो साँच्ची यसले मुझे कैसा कैसा प्रैंक किया है आप लोग बताइए तो कैसा कैसा प्रैंक किया है इसने मुझे तो और मैं इतना भी ना करूं कितना बार रुलाया है इसने मुझे और ये तो सिर्फ एक ही बार हो गया और भी आना बाकी है भाई रोना अभी भी बाकी है और भी तुम बोले उसको ये डोड़े खाए अब किन दिनों बाद से नया ब्लैंकेट चार नया ब्लैंकेट बड़े तो था थे वो गाड़ी नहीं कन्फ्युज भए कहिले भनेको थियो हजमाई अघि भनेको थियो कि अब गऱ्यो त थर्टी गर्नु गयो भने नि गएको भने नि त्यति बेला भनेको त्यही हो कि होइन हो कि होइन भए भए पनि अन गरेको त मैले भिडियो अफ गरेर फेरि हो जस्तो पनि लाग्यो बिचमा फेरि ए होइन होला हो भने जस्तो पनि लाग्यो यो प्र्याङ्क गर्छु भनेर कहाँ साँच्चै यस्तो हुन्छ भनेर सोचेँ नि त साँच्ची यसरी चाहिँ किन पक्रेको माइजूलाई जस्तो भएको थियो यस्तै भएको थियो फर्स्टमा चाहिँ प्राङ्क जस्तो लागेको थियो फर्स्टदेखिकै लागेन बिचमा अलिकति पनि लाग्यो अलिकति पनि लागेन त्यो पछि चाहिँ पछि चाहिँ तिमीले त्यो फोन उयो मैले पछि तिमीले जब भने नि इफ दिस इज अ प्राङ्क भनेर भने नि त्यति बेला पनि लागेको थिएन मैले पनि किन भन्नु पठाएँ त्यहाँनिर त्यति मेरो प्राङ्क बोल्दा बोल्नु त मलाई एक्सपिरियन्स के पनि भन्दिनँ म आई डोन्ट हेभ एनी हिन्दीमा बोलौँ बाबा तुमे कैसा लगा लो फर्स्ट तुम से स्टार्ट करते हैं ये थोड़ी देर खुद को प्रिपेयर करेगा मुझे तो इसने पहले ही बताया था कि प्रैंक है पर मैं कंफ्यूज हो गई प्रैंक है या सच में हो रहा है कंफ्यूज हो गई थी फिर भी मैंने जिस तरह करके वीडियो ऑन किया मैंने ना मेरे दूसरे फ़ोन से वीडियो बनाया तो आगे का क्योंकि इस फ़ोन से तो हम प्रैंक करने वाले हैं तो ये वीडियो तो आगे जाके तो देखेगा तो इसलिए मैंने दूसरे फ़ोन से बनाया था और जब मैं वो एयरड्रॉप वाला काम कर रहे थे ना तो तभी मुझे लगा कि तुमने वो वीडियो देख लिया लेकिन मैंने उसे जल्दी जल्दी हाइड कर दिया हिडन वीडियो में डाल दिया मैंने उसे अब अगर रियल भी होगा तो मैं इसको बिलीव नहीं करूँगा अभी मुझे फील हुआ कि प्रैंक कैसे होता है कैसे होता है प्रैंक ये देखो मेरा हाथ भी जल गया डोंट अंडर एस्टिमेट मी कब से आप लोग बोल रहे थे कि प्रैंक ऐसा प्रैंक लेकिन वो तो ऑल ओवर इंटरनेट होता है तो ये ऐसे में विश्वास नहीं करेगा उतने जल्दी से तो मैंने कुछ सोचा फंडा वाला क्योंकि हम ऑलरेडी ये वीडियो करने वाले थे तो मुझे अगर मुझे लाइक सिर्फ अलग से ये वीडियो करना होता तो मुझे कैमरा सेट करना पड़ता तो कैमरा यहाँ पर तो हमारा तो रूम तो खाली है कैमरा सेट कहाँ पर करेंगे तो वीडियो के दौरान ही प्रैंक करने और से मुझे एक बात में भी डाउट तो आया था पर मैं उसमें ध्यान ही नहीं दिया है लाइक ये जैसे ही गिरे तभी मैंने वीडियो ऑफ किया था फिर इसने ऑन कर दिया फिर मैंने इसे देखा तो वीडियो चल रहा था तब मुझे ये बहुत ही अनयूजुअल लगा कि ये तो हो ही नहीं सकता
फिर वो मेरे दिमाग से निकल गया कि ये प्रैंक हो सकता है, मेरे दिमाग में आया भी नहीं, नॉट इवन 1%। ये बहुत ही रियल वाला एक्टिंग था सच में, आई स्वेयर। एंड आई मैं ये प्रैंक, ये एक्टिंग में गिरा भी, लाइक आई फेल फॉर इट। गाइस मुझे ऑडिशन के लिए जाना चाहिए ना, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी हॉरर मूवी के लिए। अगाडि भिडियो पनि भन्यो त्यही भएर तिमीले मलाई अगाडि भिडियो गर, आज गर, जसरी एउटा भिडियो गर भनेको होइन। सो गाइज आई थिङ्क द्याट वाज इट फर टुडे। मुझे बहुत डर लगा, आई स्वेयर ऑन माई मोम, आई स्वेयर टू गॉड, मुझे ये प्रैंक था जैसा भी नहीं लगा। प्रैंक सक्सेसफुल गाइज। अगर ग्रेसी टीम में है आप लोग तो ग्रेसी टीम ये करके कमेंट डाउन करना है, ठीक है? इसको रखने का आज कोई फायदा नहीं हुआ, यही वाला यही प्रैंक के लिए हुआ। पूरा वीडियो में एक बार भी नहीं बोला, फिर एक ही बार में वो काम कर दिया, काम खत्म कर दिया इसका काम, वीडियो प्ले करना। तिमीले इच्छा प्राङ भन्दा पनि भिडियो चालु थियो थियो कसरी फेरि गरेन भिडियो अफ भयो कि त मैले यसलाई यसरी कटाउँदै थिएँ नि त। म त आमालाई कल गर्दिनँ अटेको थिएँ, म त आमालाई बोलाउँदैन यसरी टेन्सन। म चाहिँ पनि नि यहाँनिर दैलो खटखट भएन ल्या, अब चाहिँ आउने रहेछ भने होइन आन्टी, आउने रहेछ भने त्यहाँदेखि फेरि अलिकति आवाज कम्ती गरेँ मैले होइन। सो गाइज आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, या अच्छे से व्यूज आया तो जल्दी दूसरा वाला प्रैंक भी आएगा जरूर। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लव यू गाइज सो मच। रिवेंज वीडियो के लिए वेट करना।